लद्दाख की ये वादियां पिछले करीब ढाई महीने से चीन की चालबाजी और हिंदुस्तान के शौर्य से गूंज रही हैं। बदलते मौसम के साथ साथ चीन भी तेजी से रंग बदलता रहता है, कभी धोखा देता है तो कभी बातों मुलाकातों की चाल चलता है। लद्दाख से ताजा अपडेट ये है कि हॉट स्प्रिंग से पीछे हट गया है चीन, लेकिन पेंगोंग लेक पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है चीन। गलवान और गोगरा से चीनी सेना पहले ही कदम पीछे खींच चुकी थी, लेकिन इस खूबसूरत लेक पर चीन की बदनीयति अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी जिद उसे अभी भी पेंगोंग लेक के इर्द गिर्द ही जमाए हुए है। पिछले हफ्ते पेंगोंग इलाके में फिंगर फोर की रिज लाइन पर भी पीएलए ने सैनिकों की मौजूदगी को काफी कम कर दिया था, लेकिन फिंगर पांच से चीनी फौज पीछे नहीं हटी है। चीनी सैनिकों की मौजूदगी की वजह से भारतीय सेना पहले की तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा तक गश्त नहीं कर पा रही है। हालांकि सरकार का मानना है कि यह अस्थायी स्थिति है और सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ चीन की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं वो इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाते हैं। यदि चीन का कैरेक्टर देखिए, डीएनए देखिए, तो 1962 के चीन का डीएनए क्या रहा है? वो धोखेबाज देश है, धोखा देता है। सवाल ये है कि क्या चीन पे विश्वास किया जा सकता है? एकदम नहीं। एक और बिंदु कि चीन के दृष्टिकोण में पूरी तरह से विश्वास डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। चीन के अड़ियल रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि अगले हफ्ते पेंगोंग लेक को लेकर कोर कमांडर स्तर की फिर से बातचीत हो सकती है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ करने की अपने साजिश में कई मोर्चों पर मात खाई है। 15 जुलाई को गलवान में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हुए थे और चीन की तरफ से भी करीब 20 सैनिक मारे गए, लेकिन चीन अब तक उस हार को स्वीकार नहीं कर पाया है। थल सेना के अलावा भारत ने लद्दाख के आसमान में भी चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ये जता दिया कि वो इस बार पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। हिंदुस्तान के संकल्प से चीन पस्त तो हुआ है, लेकिन शरारत से वो बाज नहीं आ रहा। खबर है कि अब चीन ने हिमाचल क्षेत्र की ओर किन्नौर जिला के साथ लगती सीमा पर सड़क पहुंचाने का काम तेज कर दिया है। किन्नौर के मोरंग घाटी क्षेत्र के आखिरी गांव कुनू चारंग से आगे खेमकुल्ला पास की ओर मोटर योग्य सड़क बनाने का काम चीन ने युद्ध स्तर पर चलाया है। तिब्बत सीमा से सटे गांव चारंग के रेकी पर गए दल के मुताबिक चीन रात के अंधेरे में निर्माण कर रहा है। बताया जाता है कि कुछ महीने से इलाके में चीनी ड्रोन मंडरा रहे हैं, जिससे चारंग के ग्रामीणों में भय है। हाल ही में चारंग गांव का 9 सदस्य दल गांव से करीब 22 किलोमीटर ऊपर बॉर्डर की ओर गया था। इस दल के मुताबिक 2 महीने में चीन ने करीब 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण भारत तिब्बत सीमा की ओर तेजी से किया है। ग्रामीणों के मुताबिक अब सिर्फ 2 किलोमीटर क्षेत्र में चीन की ओर से भारत बॉर्डर तक सड़क निकालना बाकी है। खच्चर लेकर के हम खेमकुल्ला चाइना बॉर्डर के तरफ फौज के साथ रेकी करने गए थे सर, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि खेमकुल्ला के पिछले साइड को चाइना ने रोड ला रखा है 2 महीने के अंदर सर। पिछले अक्टूबर में वहाँ पर रोड नहीं था, अभी 2 महीने के अंदर चाइना ने इतना तेजी से हमारी तरफ वो रोड ला दिया सर। साफ है चीन हिमाकत से बाज नहीं आ रहा।